वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार दयालु योजना फैमिली आईडी 1,80,000 से कम इनकम वालों को 1,00,000 से 5,00,000 रुपए जो है हरियाणा सरकार देने का काम करती है। नई योजना का ये धमाका किया गया है दोस्तों, घर बैठे आपको इसका पैसा मिलेगा। इस योजना का जो पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा उत्थान योजना है। यहाँ जो है अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अंत जमा में उदय। साथियों अंत मतलब किसी धर्म नहीं, किसी जाति नहीं, किसी वर्ग नहीं, किसी मजहब नहीं, किसी समाज नहीं। अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है चाहे किसी जाति से बिलोंग करता हो। उदय का मतलब उनको उठाना, सरकार की तरफ से मदद दे देना। ये योजना साथियों शुरू की है। फार्म आप कैसे भरेंगे इसका आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता फार्म कैसे भरें, प्रक्रिया क्या है, पैसा कैसे मिलता है, पूरा बताएंगे भाई। फार्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे मिलेगा। सिर्फ फैमिली आईडी के अंदर आपको एक टिक करना है, एक सेकंड में आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो ये काम करना है। और फिर जो है हरियाणा सरकार उसको वेरीफाई कर ऑनलाइन आपके खाते में पैसा जो आपका फैमिली आईडी के अंदर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर डालने का काम करती है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। पहले मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के अंदर किया था, जब ये बजट सत्र आपका 2023 का आया था। इसमें परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 1,80,000 से कम इनकम वालों को 1,00,000 से 5,00,000 रुपए देने का ऐलान जो है हरियाणा सरकार ने किया था। ये योजना इस योजना के तहत, दयालु योजना के तहत 1,00,000 से 5,00,000 रुपए दिया जाता है। क्या शर्त है? फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम इनकम होने पर। दोस्तों आज के प्रिंटिंग मीडिया में भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सीएम साहब ने जो है इसका उल्लेख कल एक पब्लिक मीटिंग थी उसमें किया था। तो दोस्तों इसका मैं पहले ये स्लैब आपको बता देते हैं, इसके अंदर पैसा कैसे मिलेगा। 1,80,000 रुपए से आपकी इनकम कम है, देखो भाई परिवार में मृत्यु या दिव्यांग होने पर ये पैसा मिलेगा। मौत है, हम मुझको भी आनी है आपको भी आनी है, मौत हर इंसान को जो है मौत का मजा चखना है, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दोस्तों अब जो है अब इस मौत में अगर कोई परिवार का बड़ा सदस्य मर जाता है, कमाऊ मर जाता है, तो परिवार मौत से एक तो टूट ही जाता है, उसकी भरपाई तो सरकार कर नहीं सकती, वो तो इंसान की भरपाई तो इंसान से हो सकती है, वो भी वो वापिस आ नहीं सकता, जो चला गया वो चला गया। लेकिन सरकार की मंशा यह है इस योजना के पीछे, भाई वो परिवार टूट गया, आर्थिक रूप से वो ना बिखरे, आर्थिक रूप से वो खत्म ना हो, उसको हम इतनी मदद दे दें कि भाई जो है वो अपने पैरों पे खड़ा रहे। तो दोस्तों इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम इनकम वाले बीपीएल परिवार घर में 6 से 12 साल तक के बच्चे की निधन पर 1,00,000 रुपए, चाहे वो कैसे भी मरता है, अपनी मौत मर गया तब भी मिलेगा। फैमिली आईडी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम इनकम है और उसमें यदि कोई बच्चा 6 से 12 साल तक के बीच का मरता है तो 1,00,000 रुपए सरकार देगी। यदि 12 से 18 साल तक का बच्चा मरता है, यदि 12 से 18 साल तक का कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चा मरता है और उसकी फैमिली आईडी में उसके परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है तो सरकार उनको क्या करेगी, सरकार उनको 2,00,000 रुपए देने का काम करेगी। 18 से 25 साल वाला थोड़ा जिम्मेदार हो जाता है, बड़ा झटका परिवार को लगता है तो सरकार ने यहां पैसा बढ़ा दिया, 3,00,000 रुपए सरकार इनको देगी। ये नहीं भाई दुर्घटना उर्घटना कुछ नहीं भाई, चाहे अपना आप मौत हो जाए, ये दुर्घटना अपना आप जैसे भी मौत हो जाए सब तरीके से मिलेगी। ये नहीं कि भाई ये होना चाहिए, ऐसे मौत होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं भाई नेचुरल डेथ आ जाए तब भी मिलेगा। साथियों यदि 25 साल से 45 साल तक के सदस्य के निधन पर 5,00,000 रुपए तथा 45 साल से 60 साल तक के सदस्य के निधन पर 3,00,000 रुपए की राशि मुआवजे के रूप में सरकार जो है इसके खाते में डालने का काम करेगी। वही यहां पूरा का पूरा जो है सीएम साहब ने इसका उल्लेख भी किया, सुबह मैंने इसे लाइव भी सीएम साहब को चलाने का काम किया था। 25 से 45 साल तक का जो उम्र होता है ये इस परिवार की, जो कोई भी परिवार है उसकी जो जिम्मेदारी, उसका जो कमाऊ पूत होता है, जो घर चलता है, इस 25 से 45 साल वाला व्यक्ति चलाता है, तो इसमें 5,00,000 रुपए यहां सरकार देने का काम करती है। 6 से 12 के लिए 1,00,000 है, 12 से 18 के लिए 2,00,000 है, 18 से 25 के लिए 3,00,000 है, 25 से 45 साल के लिए 5,00,000 है, 45 से 60 साल के लिए 3,00,000 रुपए, 60 साल से ऊपर वाले को कोई पैसा सरकार नहीं देती है। दोस्तों अब इसका आवेदन फॉर्म सबसे बड़ा यह है आपका जो है आवेदन फॉर्म। तो भाइयों घर बैठे सीएम साहब ने सारी
सारी सुविधा दे रही है। बीपीएल आपका कैसे बन रहा है? घर बैठे बन रहा है। बुढ़ापा पेंशन आपकी कैसे बन रही है? घर बैठे बन रही है। आयुष्मान कार्ड कैसे बन रहा है? घर बैठा बन रहा है। तो भाई यो योजना भी घर बैठे ही आपको मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपके परिवार का यदि कोई भी सदस्य मर जाता है, मृत्यु उसकी हो जाती है, चाहे कैसे भी होती है, आपको उसका मृत्यु जो है अपनी फैमिली आईडी के अंदर आपको दिखवा देना है। आप सीएससी पर जाकर भी उसको मृत डेड घोषित दिखा सकते हैं, या फिर आप जो है खुद मोबाइल फोन से भी, मैंने परसों आपको दिखाया था फैमिली आईडी मोबाइल फोन से आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आप वो देखकर मोबाइल फोन से घर बैठे एक मिनट के अंदर खुद भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कर देना है, अपनी फैमिली आईडी के अंदर जो है उसको मृत दिखा देना है जो भी आपके परिवार का मरता है, ठीक है। सरकार के पास मिनट सेकंड सेकंड की रिपोर्ट पहुंचती है, पूरा सरकार इसकी योजना के तहत वो करता है, अधिकारी बैठे हुए हैं, पूरा विभाग इस योजना का है, वो ये देखते कि इस उम्र जो है इस साल या इस महीने के अंदर कितने हरियाणा प्रदेश के युवा मरे, या फिर हरियाणा प्रदेश का कितने किस उम्र का आदमी मरा है, तो उसी हिसाब से सरकार जो है अगर इनकम 81 से कम होती है तो उनके खाते में पैसा डालने का काम करता है। आप जैसे इसमें मृत दिखाओगे, आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको वो मृत दिखा देना है, और भाई मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है इसी से ये मान्य होता है कि भाई हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब आप वैसे ही डेट दिखा दो, कोई सर्टिफिकेट ना लगाओ, तो सरकार की नज़र में ये होता है भाई पैसा खाने के लिए जो है पैसे के लिए वैसे मारा दिखा रहा है। तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, और ऑनलाइन अपने आप एडीसी ऑफिस के अंदर जो है, यह एडीसी ऑफिस जिला लेवल पर चंडीगढ़ से जाएगी कि ये व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसने डेथ सर्टिफिकेट लगाया, आप इसकी वेरिफिकेशन करके देखो। कोई योजना नहीं है वहाँ कि भाई इस योजना पर क्लिक करना है, दयालु पर क्लिक करना है, नहीं भाई कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ क्लिक नहीं करना, कहीं नहीं करना, इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, इसका कोई योजना का कहीं कोई पोर्टल नहीं, लिंक नहीं है, ये तो सीधा यही है मृत्यु दिखाओ फैमिली आईडी में, चंडीगढ़ सरकार के पास पहुंचेगी, सरकार उस जिले के एडीसी के पास भेजेगी कि भाई इनका वेरिफिकेशन करिए, वो वेरिफिकेशन कर देख कर हाँ भाई ये सच में ही मर गया, वो फिर जो है सरकार उनके खाते में जो फैमिली आईडी के अंदर वो खाता जुड़ा हुआ होता है बैंक खाता, उसमें पैसा डालने का काम हरियाणा सरकार करती है। अब तक लगभग जो है 2 बार इसका पैसा हरियाणा सरकार जारी कर चुका है, हाल ही में कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, 3-3 महीने के अंतराल में ये पैसा हरियाणा सरकार डालने का काम उनके खाते में करती है, जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम है, जो बीपीएल परिवार है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।